सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा। जगमग है जिससे जग सारा। गोपा, क्या हुआ गोपा? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कह दिया क्या? गोपा, क्या हुआ इसे? रो क्यों रही? यशोधरा, तुम्हें किस बात से पीड़ा पहुंची है पुत्री? मैंने अभी अभी एक दृश्य देखा। माँ, एक चरवाहा अपनी गाय ले जा रहा था। वो गाय भी खुशी खुशी उसके पीछे पीछे जा रही थी कि अचानक एक धनी वैश्य ने आकर उस गाय को चरवाहे से बलपूर्वक छीन लिया। वो गाय चीखती रही, चिल्लाती रही। बस इतनी सी बात? तुम कहो तो अभी उस गाय को छुड़वा कर वापस उस चरवाहे को लौटवा देते। सच कह रहे हैं आप? अवश्य, निसंदेह। तो कुछ देर के लिए समझ लीजिए कि वो चरवाहा सिद्धार्थ है और वो धनी देवदत्त और वो गाय आपकी पुत्री है पिताजी। यशोधरा, ये क्या ठिठोली? यही सच है पिताजी। अगर मैं आपके कहने पर देवदत्त से विवाह करके कपिलवस्तु आ भी जाऊं, लेकिन मैं सिद्धार्थ के बिना खुश नहीं रहूंगी। परंतु उन्होंने ही हमारे समक्ष कुमार देवदत्त से तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव रखा है। पर मैं सिद्धार्थ से विवाह करना चाहती हूँ। असंभव, कदापि नहीं। तो क्या हम अपनी पुत्री से उसका वर चुनने का अधिकार भी छीन लेंगे? मैं सिद्धार्थ से प्रेम करती हूँ और उसी से विवाह करना चाहती हूँ। मुझे भी सिद्धार्थ पसंद है। आपको इस विवाह से क्या आपत्ति है? आपत्ति यह है अमिता कि मैं अपनी पुत्री को एक जोगन बनते नहीं देख सकता। केवल एक बार कपिल वस्तु के लोगों से सिद्धार्थ के बारे में पूछे तो वो अपने युवराज को पूछते हैं पिताजी। किंतु जब युद्ध होता है तो उसमें एक बलशाली जीतता है, सन्यासी नहीं। और उसी सन्यासी ने कपिल वस्तु के गुरुकुल की प्रत्येक स्पर्धा में देवदत्त को पराजित किया है। छल कपट से पराजित किया है सिद्धार्थ ने। मैं उसे जीत नहीं मानता। तो फिर एक ही उपाय है, आप स्वयं उसकी परीक्षा लें।
ठीक है, परीक्षा मैं निर्धारित करूंगा और वहां जितने भी क्षत्रिय कुमार आएंगे उनमें से जो भी मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा तुम्हें उसी से ही विवाह करना होगा। बोलो, क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? हाँ, आप जो परीक्षा लेना चाहे ले लीजिए, परंतु उत्तीर्ण युवराज सिद्धार्थ ही होंगे। न जाने राजा दंडपानी को क्या सोचे कि परीक्षा लेने की ठानी है उन्होंने। कह रहे हैं कि जो क्षत्रिय कुमार उनकी निर्धारित की हुई प्रतियोगिता जीतेगा उसी के गले में यशोधरा वर माला डालेंगे। तो आप व्यर्थ चिंतित क्यों हो रहे हैं? राजा दंडपानी की निर्धारित की हुई प्रतियोगिता हमारा देवव्रत ही जीतेगा। परंतु सिद्धार्थ उसे जीतने दे तब ना। कभी कभी जो काम आग से नहीं बनता वो आंसुओं से बन जाता है। आए अर्थात अर्थात जब मंगला ठान लेती तो वही होता है जो मंगला चाहती। यदि किसी दिन मुझे ईश्वर मिल गए और उन्होंने कहा कौन हो तुम, तो क्या कहूंगा मैं जब मैं स्वयं स्वयं को नहीं जानता? तो जान लो, देख लो, मिल लो मेरी आंखों में स्वयं से। सिद्धार्थ। प्रणाम अंजलि काकी, आप यहां? मुझे बुला लिया होता। आप तो युवराज हैं, मैं भला आपको कैसे बुला सकती है? क्यों नहीं, क्या ज्येष्ठ की तरह मैं आपका पुत्र हूं? वो तो तुम हमेशा से हो और आज उसी अधिकार से तो एक मां अपने एक पुत्र से दूसरे पुत्र के लिए कुछ मांगने आई। आप आज्ञा करें। तुम जानते हो सिद्धार्थ, मैंने राजा दंडपानी से देवदत्त के लिए यशोदा का हाथ मांगा है। पर पता नहीं क्यों आज राजा दंडपानी के मन में ऐसा क्या आया जो उन्होंने यशोदा के स्वयंवर की बात की। तुम जानते हो ना सिद्धार्थ? हाँ, जानता हूँ। तब तो तुम ये भी जानते हो इस समय पूरे शाक्य कुल में केवल ऐसे दो ही योद्धा हैं जो इस स्वयंवर को जीत सकते हैं, एक उद्धव और दूसरे तुम्हारे ज्येष्ठ। क्या चाहती हैं आप? क्या सीता के स्वयंवर में लक्ष्मण भी प्रतियोगी होगा? या एक ही कन्या के लिए दो भाइयों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी? या प्रथा के अनुसार देवदत्त का विवाह तुमसे पहले नहीं होना चाहिए? तुमने हर प्रतिस्पर्धा में अपने ज्येष्ठ को पराजित किया है, क्या इस बार तुम अपने ज्येष्ठ को जीतने नहीं दोगे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे ज्येष्ठ का विवाह यशोधरा से हो जाए? पर मैं तो ये भी नहीं चाहती कि तुम पराजित हो। ये कैसे संभव? संभव है यदि तुम इस स्वयंवर में हाथ ना लो तो। अपनी काकी
माँ का मान रखोगे ना पुत्र? देवी, महाराज शुद्धोदन पधार रहे हैं। क्या बात है देवी, तुम्हारे आंखों में आंसू कैसे? विवशता क्या है देव? आप शाक्य कुल के महाराज और मैं महादेव, किंतु फिर भी हम अपने पुत्र को वो सुख नहीं दे सकते जो हम देना चाहते और जिसका वो अधिकारी। महादेवी महामाया हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी। यही प्रश्न लेकर मैं कुलगुरु वाचस्पति के पास गया था। क्या कहा उन्होंने? देवी, सिद्धार्थ की कुंडली ये कहती है कि उसकी भार्या अत्यंत स्वरूपवान होगी, सौंदर्यवती होगी, पुत्रवती होगी, अपने कुल का मान सम्मान वो बढ़ाएगी, दोनों के स्वभाव ही एक जैसे होंगे और दोनों में अत्यंत स्नेह होगा। किंतु वो यशोधरा नहीं होगी। देवी, वो यशोधरा ही होगी। कैसे दे? सिद्धार्थ की कुंडली और यशोधरा की कुंडली अधिकांश मिलती है। तो उससे क्या हुआ दे? समय ने हमारे होठों पर उंगली जो रख दी, हम जान के भी कुछ नहीं कर सकते। विवाह का प्रस्ताव रखने से पहले मंगला दीदी को एक बार पूछना तो चाहिए था। देवी, अपना जी छोटा मत करो। समय ने हमारे होठों पे उंगली अवश्य रखी है, परंतु दंड पानी ने स्वयंवर की बात कहकर हमारी आशा को जीवित रखा। किंतु उसके लिए सिद्धार्थ को लड़ना होगा। देवी, वो क्षत्रिय है, वो लड़ेगा भी और जीतेगा भी। तुम देखना, जिस प्रकार उसने यशोधरा का हृदय जीता है, वह स्वयंवर भी अवश्य जीतेगा। यशोधरा, कहाँ जा रहे हैं? वो सिद्धार्थ से मिलने, उन्हें ये बांसुरी लौटानी है ना। अच्छा, और साथ में ये भी बताना है कि उन्हें स्वयंवर में जीतने की तैयारी करनी है। बहुत भोली हो तुम। युवराज सिद्धार्थ स्वयंवर में तब जीतेंगे ना जब उसमें भाग लेंगे। गोपा, तुम यहां? मैं सारे स्त्री सम्मान को भुलाकर तुम्हारे पास आई हूं सिद्धार्थ।
क्या उर्मिला की तरह तुम मुझे मेरे प्रेम से मिला सकते हो? तुम चेष्ट की बात कर रही हो? इतना भी विवश मत करो मुझे कि उस विवशता के आगे मैं अपने स्वयं को भी खो दूं। सिद्धार्थ, मैं देव से नहीं तुमसे प्रेम करती हूं। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? तुम्हें केवल स्वयंवर जीतकर अपनी क्षत्रियता प्रमाणित करनी है। मैं विवश हूं गोपा, मैं स्वयंवर में भाग नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि चेष तुमसे विवाह करना चाहते हैं। मैं क्या चाहती हूँ इसकी कोई चिंता नहीं तुम्हें, कोई विचार नहीं। और तुम क्या चाहते हो? बीज तो बो दिए, अब पुष्प को अपनाने से मना कर रहे हो? तुमने तो केवल इस गोपा को पत्थर में तराशा है, पर इस गोपा ने तुम्हारे नाम से अपने जीवन को तराशा है। युवराज, यदि तुमने स्वयंवर में हिस्सा नहीं लिया तो इस गोपा का कोई वर नहीं होगा। गोपा, युवराज, वैसे तो मैं केवल एक दासी हूं, परंतु महादेवी ने मुझे दाइमा का पद दिया है, इसीलिए आपसे पूछने की दृष्टता कर रही हूं। यशोधरा को किस बात का दंड दे रहे हैं आप? आप तो न्यायप्रिय हैं, आप ही ने उर्मिला और बलदेव का प्रेम विवाह करवाया। यशोधरा आपसे प्रेम करती है युवराज, तो उसके साथ ये अन्याय क्यों? मैं विवश हूं लोचिका। कैसी विवशता? ज्येष्ठ के होते अनुज विवाह कैसे कर सकता है? ये आप उस ज्येष्ठ के लिए कह रहे हैं जो स्त्री को स्त्री नहीं केवल एक वस्तु समझता है? क्या आप कंचने की जगह यशोधरा को देखना चाहते हैं? आपने सारी स्त्री जाति को गौरव दिलाया और एक स्त्री के साथ अन्याय? आप उससे उसका जीवन साथी चुनने का अधिकार छीन रहे हैं। युवराज, युवराज, देवी यशोधरा रथ लेकर घाटी की ओर गई हैं। मैंने उन्हें रोका, पर आप जल्दी चलिए, नहीं तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। गोपा, देवी यशोधरा, देवी यशोधरा,
ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या? तुम्हारी तराशी हुई मूर्ति मेरी स्मृति में अमर हो जाती। नहीं कोपा, नहीं। मूर्ति पत्थर की होती, मनुष्य में भावनाएं होती। मूर्ति प्रेम नहीं करती, पर गोपा प्रेम करती है। मूर्ति में प्राण नहीं होते गोपा, पर गोपा प्रेम के लिए प्राण दे सकती है। स्वयंवर में तुम्हें जीत कर अपनी अर्धांगिनी बनाऊं, उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या तुम इस जीते जागते प्रश्न का उत्तर बनोगी? क्या तुम सिद्धार्थ गौतम की भारिया बनोगी? तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं? सोच रही थी यदि तुम्हें मेरी प्रेम की अनुभूति ना होती तो। विधाता ने क्या सोचा वो तो पता नहीं, परंतु इतना अवश्य पता है मंगला कि देवदत्त की कुंडली तो बदलनी ही होगी। तुम बहुत प्रसन्न हो रही थी ना कि सिद्धार्थ ने तुम्हारी बात मान ली। यहां मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। पीट करने से देखा अनदेखा नहीं होगा मंगला, सिद्धार्थ आधी रात को यशोधरा के साथ, अर्थात वो स्वयंवर में अवश्य भाग लेगा। लेने तो उसे भाग आए, परंतु जब तक राजा दंडपानी हमारे पासों से खेलता रहेगा तब तक देवदत्त को इस स्वयंवर में जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि राजा दंडपानी इस स्वयंवर में वही परीक्षा निर्धारित करेंगे जो हम चाहेंगे। आपकी बारी। छह गिरे तो घर मिले। हाँ, और स्वयंवर में परीक्षा मन चाही रहे तो देवदत्त और यशोधरा का घर बसे। अवश्य। छह, एक दो तीन चार पाँच छह। राजा द्रोणोदन में जीत गया। और हम चाहते हैं कि देवदत्त ही जीते। अरे राजा द्रोणोदन, आप खेल चौसर रहे हैं और आपके विचार कहीं और ही चल रहे हैं। सत्य कहा राजा दंडपानी, हम चाहते हैं कि स्वयंवर की निर्धारित परीक्षा क्या होगी ये अंतिम घड़ी तक गुप्त रखी जाए। क्यों? वो इसलिए कि स्वयंवर में कोई अनीति ना हो। अनीति? इसमें अनीति क्यों होगी? अमिता दीदी, बहुत भोली हैं आप नहीं जानते
सिद्धार्थ ने कपट कर यशोधरा को अपने मोह जाल में फंसा है। आप तो देवदा में थी, आपको क्या पता? हम निर्धारित परीक्षा की घोषणा अंतिम समय पर इसलिए करना चाहते हैं जिसे महाराज शुद्धोदन कोई कपट ना कर सके और परीक्षा निरपेक्ष रहे। आप लोगों की निरपेक्षता से मैं भली भांति परिचित हूँ। मेरी भोली बहन, क्या तुम इस बात से परिचित हो कि हमारे भाई महाराज यशोधरा के साथ सिद्धार्थ का विवाह करवाने के लिए क्यों इतने उत्सुक है? वो शाक्य कुल में राजा दंडपानी के बढ़ते वर्चस्व का दमन करना चाहते हैं। अरे ये इस बात पर क्यों ध्यान देने लगी? इन्हें तो मुझसे अधिक अपने बड़े भैया से प्रेम जो है। अब बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? पहलोई जी, यदि आप देवदत्त को अपना जमाई बनाना चाहते हैं, तो ऐसी परीक्षा निर्धारित करें जिसका पूरा लाभ केवल देवदत्त उठा सके। वो कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। मैं भी यशोधरा का विवाह एक क्षत्रिय के साथ करना चाहता हूं, किसी कायर के साथ नहीं। सिद्धार्थ को हमें हर हाल में पराजित करना ही होगा। यहाँ हो और मैंने पूरा महल खोज लिया। कंटक, ये गोपा है गोपा, बिल्कुल तुम्हारी तरह भोली भाली, भावुक। तो इन्होंने तुम्हें भी बहुत रुलाया होगा। देखा, कंटक मेरा कहा समझ गया। गोपा, अब तुम्हें मुझसे इस तरह अकेले मिलने नहीं आना चाहिए। क्यों ना मिलने आऊँ? मैं प्रेम करती हूँ मैं तुमसे। पर तुम्हारे पिता ने तुम्हारा स्वयंवर रचाया है और बिना स्वयंवर जीते यदि मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम्हारे पिता का अपराधी कहलाऊंगा। अपराधी तो मेरे पिता हैं। पूरे परिवार की लड़कियों को अपना वर चुनने का अधिकार है और उन्होंने स्वयंवर रखकर मुझसे मेरा अधिकार छीना है। सिद्धार्थ, मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी चुना है। ये स्थान मैं किसी और को नहीं दूंगी, चाहे तुम जीतो या ना जीतो। देखा कंटक, मैंने कहा था इसे रोने को। चलो मेरे साथ। तुम युवराज सिद्धार्थ, सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपसे कब से अकेले मिलना चाह रहा था, पर ये गोपा है मेरी उर्मिला। गोपा ये बलदेव है, उर्मिला का पति। निश्चिंत होकर कहो, क्या कहना चाहते हो? युवराज, मैं आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। शाक्य देश पर संकट का संकेत।
कौशल नरेश प्रसन्नजीत अश्वमेध यज्ञ की आड़ में शाक्य देश पर आक्रमण करने वाले। परंतु तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? प्रमाण भी है। कौन? बलदेव। बलदेव जिसने तुमसे अभयदान लिया था, वो राजदूत जिसके पीछे आपने सैनिक भेजे थे। हम उस पर विश्वास क्यों करें? वो हमारे साथ कपट भी कर सकता है। जब तक हमारे गुप्तचर कोई समाचार नहीं लाते तब तक हम कोई कदम नहीं उठा सकते। एक मनुष्य दूसरे पर संशय क्यों करता है? ये मत भूलो सिद्धार्थ, बलदेव तुम्हारे कितने निकट क्यों ना हो, वो बना है कौशल की मिट्टी से। और जो मनुष्य अपने देश से, अपने राजा से विश्वासघात कर सकता है, वो तुम्हारे प्रति निष्ठावान कैसे हो सकता है? कभी कभी मनुष्यता मिट्टी और देश पर भी भारी होती है पिताजी। केवल हमें सूचित करना, बलदेव ने अपने प्राण दांव पर लगाए। मैं तुम्हारे बात से सहमत हूं, परंतु राजनीति इतनी सरल नहीं। तुम्हारे लिए इतने जल्दी बलदेव पर विश्वास करना उचित नहीं है। परंतु हम चौकन्ना अवश्य रहेंगे। शाक्य देश पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। पर तुम उनसे युद्ध क्यों करना चाहते हो? पिताजी, हर राजा चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है। पुत्र, तुम्हारी ये महत्वाकांक्षा हमारे मित्र राज्यों को हमारा शत्रु अवश्य बना देगी। मगध और वैशाली शक्तिशाली राज्य। पिताजी, मुझे केवल शाक्यों पर आक्रमण की अनुमति चाहिए। संजीत, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि पश्चिमी देशों का जो भी व्यापार होता है वो हमारे राजमार्ग से होकर जाता है, जिसकी दी हुई चुंगी से हमारा राजकोष छलकता है। कहीं ऐसा ना हो कि सेनापति। जी महाराज। देखिए पिताजी, ये वो मार्ग है जो मगध और कौशल से होते हुए गांधार और मिस्र तक जाता है, और ये मार्ग शाक्यों के राज्य से होता हुआ गांधार में मिलता है, जो यात्रा का समय महीनों घटा देता है। तो पुत्र, ये मार्ग तो है ही नहीं। नहीं है पिताजी, नहीं है। किंतु यदि ये मार्ग शाक्यों ने बना दिया तो मगध का सारा व्यापार कपिल वस्तु के मार्ग से होगा। चुंगी उन्हें मिलेगी, उनका राजकोष छलकने लगेगा। इसीलिए शाक्यों पर आक्रमण करने से हमें दो प्रकार से लाभ होगा। हमारी राज्य की सीमा तो बढ़ेगी और साथ ही साथ हमारा राजकोष भी बढ़ने लगेगा। प्रसन्नजीत, शाक्यों को निर्बल मत समझो। उनकी संख्या भले ही हमसे कम है, लेकिन उनकी एकता एक बड़ी शक्तिशाली दीवार। उसी एकता की दीवार में हमने एक दरार खोज ली है पिताजी। वो अवश्य पराजित होगी। पुत्र, अगर तुम्हारा यह आत्मविश्वास है तो अच्छी बात है। आक्रमण कब करोगे? शाक्यों के यौवन उत्सव के चलते किसी भी दिन। सिद्धार्थ, क्षत्रियो को जीवन में हर चीज लड़कर ही प्राप्त करनी होती है, हर चुनौती के लिए तैयार रहना होता है। देखो, अब तुम यशोधरा को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी तुम्हें स्वयंवर में अपनी क्षत्रियता का प्रमाण देना होगा, लड़ना होगा। देवदत्त स्वयंवर में तुम्हें चुनौती देने की तैयारियां कर रहा है। अब चिंता ना करें पिताजी, मैं हर न्यायपूर्ण चुनौती के लिए तैयार हूं, फिर वो चाहे प्रसन्न जीत हो या देवदत्त। दासी,
वामा कुंड पर आते हुए? तुम जानते नहीं कि यहाँ पुरुषों का आना निषेध है? जानता हूँ यशोधरा देवी, पर देवियों के आने में तो कोई निषेध नहीं। उन वस्त्रों को मत छूना देवदत्त, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। रखो उसे नीचे, वो मेरी चुनर है देवदत्त। अरे हाँ, ये वही तो है जो उस दिन मेरे हाथ से छूट गई थी। अरे घबराओ मत, मैं तो केवल ये चुनर देने आया था तुम्हें, इसे पहन लेना, बहुत शोभा देगी तुम पे। ये चुनर तुम पर कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। मैं जानती थी तुम्हें ये चुनर अवश्य पसंद आएगी। ये चुनर मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनवाई है। बुनकर जैसे ही ये चुनर मुझे देकर गया, मैंने तुरंत देवदत्त को बुलाकर उसके हाथों ये तुम्हारे लिए भिजवाई। मंजली मामी, क्या आपको पता है देवदत्त मुझे ये चुनर देने कहाँ आया था? वामा कुंड पर, जहाँ हम लड़कियाँ स्नान कर रही थी। अगर मर्यादा का बोध ना होता तो इसी समय ये चुनर आपको वापस कर देती। यशोधरा, देवदत्त की ओर से मैं तुमसे क्षमा मांगती। मैंने ही देवदत्त से कहा था, ये चुनर यशोधरा को दे आओ, वो बिना सोचे समझे तुम्हें ये चुनर देने कुंड पर चला गया। उसके मन में कोई खोट नहीं है। तुम ये बात किसी और से मत कहना। तुम्हें पता है ना, एक स्त्री के कारण भाइयों में महाभारत हुआ था। तुम ऐसा कोई कारण नहीं बनना चाहोगे ना? फिर चाहे तुम आधी रात युवराज के साथ क्यों ना घूमो। जब आप इतना ही जानती हैं, तो आपको देवदत्त को समझाना चाहिए कि वो स्वयंवर से हट जाए। मैं देवश और वो हटी, वो तुमसे ही विवाह करना चाहता है और उसे कोई नहीं रोक सकता। वो दिन में घंटों गुरु अश्वपाल से युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त कर रहा, और तुम तो जानती है देवदत्त कितना शक्तिशाली। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ, स्वयंवर वाले दिन सिद्धार्थ को कुछ ना हो, अन्यथा मुझे बहुत खेद होगा। Thank you.
बधाई हो। बधाई हो पुत्र, शक्ति के साथ साथ अब तुम्हें चपलता भी आई है जैसे सिद्धार्थ में। किंतु एक बात का ध्यान रखना, सिद्धार्थ की उंगलियां तुम्हारी गर्दन तक ना पहुंचने पाए, अन्यथा फिर से तुम्हारी नस दबा के वो तुम्हें मूर्छित कर देगा। आप चिंता ना करें पिताजी, अब मैंने सब जान लिया है, चोटी की तरह मसल के रख दूंगा। फिर यशोधरा केवल मेरी होगी, केवल मेरी। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।